नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज यूपीएससी एसएसबी पीजीटी 2/2022 प्रवक्ता का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फाइनल सबमिशन कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सारी जानकारी आपको देने वाले। तो दोस्तों, इस समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 8 जून को शाम को जारी किया गया है। इस बार बता दो दोस्तों, एसटी की कोई भी भर्ती नहीं, यानी कोई भी सीट नहीं। आपको इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सरकारीरिजल्ट.com का एक पेज दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये जानकारी आपको सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com पर मिल जाएगी। उसके वैकेंसी की जानकारी, अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com पर। जी हाँ दोस्तों, आज इन दोनों वेबसाइट को बुकमार्क पे सेव कीजिए। बता दें आपको, जो टोटल पोस्ट है वो 624 पोस्ट है। अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो काफी कम है, लेकिन इस बार 624 पोस्ट है। मास्टर डिग्री मांगा है, साथ में बीएड मांगा है। अलग अलग पोस्ट की एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे खुलते ही मान आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला दिखाई दे रहा है टीजीटी का और नीचे वाला दिख रहा है पीजीटी का। टीजीटी की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ना आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं कि टीजीटी का फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों अभी बात करें हम पीजीटी की, तो पीजीटी पे आपको सामने हर एक अलग एक बटन दिख रहा है जिस पे लिखा है अप्लाई। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का जो डिटेल्स है वो खुल जाएगा और साथ ही साथ उसकी एलिजिबिलिटी भी खुल जाएगी। जैसे मैं बात करूँ पीजीटी आर्ट की, तो अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी खुल के आ जाएगी। जैसे कि आर्ट में बता दूँ, बीएड वगैरह जो कंपलसरी नहीं है, प्रिफरेंशियल है। अगर आप देना चाहे तो दीजिए, नहीं देना चाहे तो मत दीजिए। अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसी तरह आपको वापस आना है और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी आप व्यू पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं, हम जो है अप्लाई करने वाले पीजीटी इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश में 76 पोस्ट है। बता दें सभी को जो है अप्लाई करने का जो तरीका है वो सेम है सभी सब्जेक्ट का, केवल जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बदल जाएगी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पोस्ट वाइज आपको यहाँ व्यू का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आ जाएगी, आपको उसको पढ़ना और यहाँ पे जो है टिक कर देना। ऑन करने पर यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं फॉर्म जो है खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपने पिता का नाम डालना है, अपनी मदर नेम यानी कि माता का नाम डालना है, आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। नेक्स्ट अपना जेंडर डालना है, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है डालना है। आपको अपने नेशनलशिप डालनी है, आपका सिटीजनशिप क्या है, इंडिया है या कहीं और का है, आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है। दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर आपका डोमिसाइल यूपी का है तो आपको यहाँ पे कुछ वेटेज भी जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, एक्स आर्मी तो नहीं है, आप विकलांगता में तो नहीं है, आप किसी स्पोर्ट्स कोटा में तो नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। बता दें जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको पहले जनरल करना है, जनरल करने के बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन पूछ रहा है, उसमें यहाँ पे यस और नो करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर इसमें नहीं पूछा है। तो हम यहाँ पे अपने पिता का नाम डाल देते हैं, केयर ऑफ में एड्रेस डाल देते हैं, अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल देते हैं, स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दिया, तहसील जो है डाल दिया। नेक्स्ट अगर आपका ब्लॉक थाना वगैरह कुछ है आपको पता है तो डाल दीजिए। आगे बढ़ेंगे, विलेज नेम वगैरह सब ऑप्शनल में, अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप सिंपली इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का जो है डिटेल देना है। तो हाई स्कूल इंटर दोनों मेरा यूपी बोर्ड था, मैंने यूपी बोर्ड डाल दिया। पूछा हाई स्कूल आपने कब पास किया है, यहाँ पे ईयर डाल दिया। नेक्स्ट मैंने इंटर का भी अपना पासिंग ईयर डाल दिया, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया है, सेम वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया, अपने क्लास 10th और क्लास 12th का रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पे पूछा है जो आपका रिजल्ट था वो मार्क्स था, परसेंटेज था, ग्रेड था, CGPA था या कुछ अदर था। तो मेरा मार्क्स में था, मैंने मार्क्स पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑप्टेन का है, यानी कि आपको कितना नंबर मिला है हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल में मुझे जो 390 नंबर मिला था 600 में, डिवीजन डाल दिए। यहाँ पे पूछा है कि आपको जो है क्लास 12th में कितना नंबर मिला है, तो यहाँ पे मेरा 500 नंबर था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, डिवीजन सेलेक्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बैचलर डिग्री जो है पास है बिल्कुल, यहाँ पे हम यस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पे आपका रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है आपने जो ग्रेजुएशन पास किया है वो किस स्टेट से पास किया है और किस यूनिवर्सिटी से पास किया है। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर करके आगे बढ़ सकते हैं।
सेम वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे अपने पीजी के लिए भी। यहाँ पे पीजी में अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो है डाल देंगे। यहाँ पे पूछा है कि आपने जो पीजी है, यूजी है, माफ़ कीजिएगा, यूजी जो ऊपर वाला था, यूजी है, नीचे वाला पीजी है, उसको कब जो है पास आउट किया है, तो हम यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अपना रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, दोनों में से कोई एक चीज़ देनी है। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको रोल नंबर या दोनों में सर्टिफिकेट नंबर, दोनों में से कोई एक चीज़ देनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो मार्कशीट है उस पर डेट क्या प्रिंट है। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं हमने 2019 साल रखा है, तो ये जो डेट है ये आपको आपके मार्कशीट में मिल जाएगी। उसमें मार्कशीट की जो इशू डेट होती है वही डेट जो है आपको यहाँ पर डालनी है। देख सकते हैं हमने डाल दिया। यहाँ पे उसका पूछेगा कि आपका मार्क्स परसेंटेज ग्रेड क्या है, आपको सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा है कितना नंबर आपको मिला है, कितने में से मिला है। सेम वही प्रोसीजर आगे अपना है कि आपको यहाँ पे पीजी में कितना नंबर मिला है और कितने में से मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा दिया हुआ, उस कैप्चा को एज इट इज आपको डाल देना है और वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको सब कुछ अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खोल के आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है, आपको उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे टिक करना है, टिक करके सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले एक चीज़ सिक्योर हो लीजिए कि आपके द्वारा भरी गई जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ सही है। तो दोस्तों हमने सब कुछ इंश्योर हो लिया कि हमारे द्वारा जो भी भरा गया सब कुछ सही है। तो चलिए उसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सबमिट किया आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फॉर्म हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन यानी पार्ट वन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर शो कर रहा है, आपकी बेसिक जानकारी शो कर रही है। आपको उसका जो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको इसी पेज में बिल्कुल नीचे चलना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरी के हिसाब से फीस है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ ठीक उसी के बगल में आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। और उसमें साथ साथ ये दिया है कि आप जो इसमें बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए क्योंकि लास्ट डेट में हो सकता है सर्वर की वजह से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इस आवेदन को करना है। तो चलिए इसका प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की परीक्षा का एक लिंक खुल जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, फीस और यहाँ पे आपको जो है टिक करना है क्योंकि पेमेंट इसका होता है SBI MOF के थ्रू होता है। यहाँ पे टिक करना है, फिर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे बता दें आप इसका पेमेंट किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। इसका पेमेंट आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं QR कोड के थ्रू। और यहाँ पे ये है ब्रांच वाला ऑप्शन, अगर आपको इसका पेमेंट ऑफलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको चालान निकालना पड़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या है आपका ये फॉर्म अभी तुरंत कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों कंप्लीट करने के लिए हम इसका पेमेंट अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। पेमेंट डन होगा आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट जो है डन हो चुका है। पेमेंट का तारीख और समय भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखेगा, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिखेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, हो सकता हो अगर आपका फॉर्म सर्वर डाउन है या कोई दिक्कत है तो आप जो है यहाँ पे जो आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी है इसके आधार पर इसके आगे का प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि बाद में है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बटन दिखा है जिसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर फाइनल सबमिशन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। फोटो का जो साइज़ है वो 3.5 से 4.5 होना चाहिए, नॉर्मल आप स्कैन करके लगा सकते हैं। सिग्नेचर भी नॉर्मल मांगा, कोई भी इसमें स्पेशल जो क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। तो चलिए दोस्तों फोटो और सिग्नेचर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। तो हमारा लगभग सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, केवल उसको फाइनल सबमिट करना रहेगा, उसमें एड्रेस वगैरह डालना है। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या क्या बचा है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तीन ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है पूछा है कि आपके पास BEd या IT ग्रेड की डिग्री है, तो आपके पास है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद पूछा है कि आपके पास MEd, DPhil या PhD की कोई डिग्री है, अगर है तो आपको सिंपली यहाँ पे यस करना, अगर नहीं है तो ये छोड़ देना। ये बता दें ये चीज़ जो है प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो अलग से मांगा है वो है। आप बात करते हैं एड्रेस की, तो एक एड्रेस तो हमने वहाँ पे भरा था, लेकिन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन है। अगर आपको अपना लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरना है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे हम टिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बालक और बालिका अलग अलग वर्ग है, तो बालक वर्ग जो है बॉयज़ हो गया और बालिका वर्ग आपका गर्ल्स हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस वर्ग में आवेदन करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बालक और बालिका में तो आपको किस वर्ग में अप्लाई करना है, जैसे मैं जो बालक वर्ग में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोबारा पूछेगा आप बालक वर्ग में अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंफर्म भी करना है। तो देख सकते हैं हमने बालक वर्ग सिलेक्ट किया और जैसे आप करेंगे यहाँ पे बालक वर्ग जो है लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना और दोबारा प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है।
जैसे आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे फाइनल प्रोसीजर है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से प्रीव्यू को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को एज इट इज जो है यहाँ पे डाल देना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आप इंश्योर ले लीजिए कि आपके द्वारा भरी गई जितनी भी जानकारी है सब सही है कि नहीं, और साथ ही साथ मैं बता दूँ, चलिए पहले उसको सबमिट करता हूँ, बाकी जानकारी आपको बताते हैं। जैसे हमने फाइनल सबमिट किया आप देख सकते हैं फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन करंट स्टेटस उनके अधीन रहेगा, उनको वेरीफाई करना है। आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन आईडी भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा, तो चलिए आपको उस पर क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे हमने उस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं फॉर्म हमारा डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और साथ ही साथ बता दें अब आप इसका प्रिंटआउट ले लीजिए, अगर आप इसको मोबाइल पे भर रहे हैं तो इसका एक पीडीएफ बना के जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे इंटरव्यू वगैरह में इस फॉर्म का प्रिंटआउट लगता है, इसलिए आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप प्रिंटर हो तो बहुत बढ़िया, आप इसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिए। साथ ही साथ बता दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसकी मदद से आप उसको बहुत ही आसानी से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।